मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट. टूडे वी आर कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 पेज नंबर 128. एक्सरसाइज 4D करेंगे बच्चे आज हम. एक्सरसाइज 4D करने से पहले बेटे आप पेज नंबर निकालिए. पेज नंबर 127 उस पर दिया गया है बच्चे स्टैकिंग सब्ट्रैक्शन विद एडिशन. क्या टॉपिक दिया गया है? चेकिंग सब्ट्रैक्शन. चेकिंग सब्ट्रैक्शन विद एडिशन. चेकिंग सब्ट्रैक्शन विद एडिशन. इसमें बच्चे हमने क्या करना है? इसमें हम हमारे सब्ट्रैक्शन का जो आंसर निकालेंगे बच्चे उसको हम चेक करेंगे. क्या करेंगे बेटे? आंसर को चेक करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? तो स्टार्ट. इसके लिए एग्जांपल को देखिए बच्चे. पेज नंबर 127 पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है. 745 माइनस 274. इसको बेटे हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 745 में से 274 को. तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. अब देखो 4 इज स्मॉलर देन 7. अब हम क्या करेंगे? 7 से 1 बोरो लेंगे. यहाँ रह जाएंगे 6. 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट चलिए बच्चे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. अब हमें कहा जाए कि आपने जो सब्ट्रैक्ट निकाला है क्या वो सही है या गलत है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे आंसर को चेक करने के लिए एडिशन करना पड़ेगा बच्चे. तो स्टार्ट. अब आपने क्या करना है? हमने हमारे आंसर को चेक करने के लिए इन दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. नीचे का नंबर स्मॉलर नंबर एंड जो हमारा डिफरेंस आया है दोनों नंबर्स को ऐड करके. अगर हमारा नंबर सेम आ रहा है ऊपर का नंबर इट मीन्स हमारा क्या है? सब्ट्रैक्शन बिल्कुल राइट है. तो स्टार्ट. 274 प्लस 471 स्टैम्स 100. 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7. ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है? सेम है. इट मींस हमारा सब्ट्रैक्शन बिल्कुल राइट है. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट? कर सकते हैं इसको आप चेक. चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. इसमें हमने क्या करना है बच्चे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एक साथ करना है. एडिशन एग्जाम्पल दिया गया है. 239 प्लस 165 माइनस 273 प्लस 63. अब आपने क्या करना है बच्चे? जैसे आपको इक्वेशन दी गई है उसी को फॉलो करना है. पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. साथ 239 प्लस 165 दोनों को ऐड कीजिए. 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 3 4
करने के बाद हमारा सम आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करने के बाद क्या नंबर माइनस करना है, 273। 404 माइनस 273, 1 स्टैंड्स 100। अब हमने क्या करना है बच्चे, 4 माइनस 3 करेंगे 1। अब 0 माइनस 7 नहीं हो सकते, 4 से 1 बोरो लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 3। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 131 हमारा डिफरेंस आ गया। अब देखो बच्चे, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आ गया इसके अंदर क्या प्लस करना है, 63 को प्लस करना है। 131 प्लस 63, क्लियर बच्चे? अब क्या करेंगे बच्चे, हम दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 एंड 1, क्लियर? और हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे इस इक्वेशन का, 194, जो कि कैसे आया, सबसे पहले आपने दो नंबर्स को प्लस किया, फिर 273 को माइनस किया, फिर जो हमारा आंसर आया उसमें आपने 63 को ऐड कर दिया, और लास्टली हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, 194। क्लियर टू ऑल? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4D पर देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर इन योर नोट। इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमने हमारे आंसर को चेक भी करना है। 329 माइनस 175, क्लियर बच्चे? सबसे पहले आप इसको कॉलम्स में अरेंज कीजिए। 329 इज बिगर नंबर एंड 175 इज स्मॉलर नंबर, सो ये नंबर नीचे आ जाएगा। कॉलम्स बनाइए, 1 स्टैंड्स 100। स्टार्ट, स्टेप 1, 1 को सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 7 नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, 3 से 1 बोरो लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 2, 3 इज अ गुड नेबर, उसने 1 बोरो दी। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 154। अब देखो बच्चे, हमने हमारा आंसर को चेक भी करना है, तो नीचे का नंबर प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर। अब देखो बच्चे क्या करेंगे हम, 175 प्लस 154 कर देंगे, 1s कॉलम, 10s कॉलम, 100 कॉलम, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3, 329 आ गया, जो कि हमारा आपका जनरेटर नंबर था। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है बच्चे, बिल्कुल राइट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिए बच्चे इसी के एफ पार्ट पर, एफ पार्ट पर चलिए बच्चे। एफ पार्ट में बच्चे हमारे पास नंबर है 800 माइनस 361। इसलिए बच्चे सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज कीजिए, 800 माइनस 361, 1 स्टैंड्स 100। अब देखो बच्चे, वंस प्लेस पर हमारे पास क्या नंबर है, 0, टेंस प्लेस पर भी क्या नंबर है, 0। अब हम 100 से 1 बोरो लेंगे, जो कि कितने नंबर की होगी, 100 की, जो कैसे डिवाइड होगी, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, 90 तो वहाँ जाएगा, टेंस प्लेस पर 9 हो जाएगा और वंस प्लेस पर 10 हो जाएगा, क्लियर बच्चे?
3, यहाँ रह गई थी 7, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब बच्चे हमने हमारा आंसर चेक करना है, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, 361 प्लस 439, 1 stands 100 column, 1 plus 9, 10, 1 carry over, 1 plus 6, 7 plus 3, 10, 1 carry over, 1 plus 3, 4 plus 4, 8. Clear बच्चे? और हमारा ऊपर का नंबर, ये नंबर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, means हमारा subtraction बिल्कुल right है. अब चलिए next. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट पर चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट पर. बी पार्ट में हमारे पास नंबर है 261 प्लस 452 माइनस 380. अब हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को प्लस करना है, 261 प्लस 452. क्लियर बच्चे? यस सर. 1 stands 100, 1 प्लस 2 3, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 713 आ गया. अब हमें क्या करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. किसमें से? 713 में से, दोनों को ऐड करके करना था. 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 1 इज स्मॉलर देन 8, 7 से 1 बोरो ली, यहाँ रह गई 6, यहाँ हो गई 11, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. और हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, 333. क्या आ गया बच्चे हमारा आंसर, 333. क्लियर? इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या आ गया, 333. क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया सबको? ऐसे बच्चे आप बाकी के सम भी करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड डे, स्टे